गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास वन सब्जेक्ट मैथ। टुडेज टॉपिक इज डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि आपने कल पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा क्या असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर दिस इज एन ऑर्डर इन विच वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम अ स्मॉलर टू ग्रेटर। असेंडिंग ऑर्डर में आपने पढ़ा कि हम लोग इंक्रीज करते हैं नंबर क्या अ स्मॉलर टू ग्रेटर। इसमें आपको पढ़ना है डिसेंडिंग ऑर्डर में दिस इज एन ऑर्डर इन विच वी अरेंज द गिवन नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर टू अ स्मॉलर। असेंडिंग में आपको स्मॉलर टू ग्रेटर पढ़ना था और डिसेंडिंग में आपको ग्रेटर टू अ स्मॉलर पढ़ना है। इस तरह से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर इज डिसेंडिंग ऑर्डर इज रिवर्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा है, रिवर्स है। अब आपको यहाँ देखना है, कल मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग अप करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो वन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, नंबर इंक्रीज करता है। वन से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, इस तरह हम लोग इंक्रीज करते हैं। आज आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ना है। मान लो मैंने ये नंबर्स लाइन लिए हैं, ये मान लो या ये 10 सीढ़ियाँ हैं, तो आपको क्या करना है, 1 से 10 तक अगर लिया है तो आपको यहाँ देखना है, अगर हम लोग ऊपर चढ़े तो फिर हम लोग को डाउन भी नीचे भी उतरना है। तो हम लोग क्या से स्टार्ट करेंगे, 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये असेंडिंग ऑर्डर का रिवर्स क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से हम लोग यहाँ क्या ऑब्जर्व किए, क्या सीखे कि असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम 1 to 10, यहाँ आप लोग देखो 1 से 10 तक असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 9 and 10। सो यहाँ नंबर इंक्रीज कर रहा है, क्या हो गया, 2 is greater than 1, 3 is greater than 2, 4 is greater than 3, 5 is greater than 4, इस तरह से हम लोग क्या है, बढ़ रहा है नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 1 to 10 तक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से हम लोग क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व किया हम लोगों ने कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर इंक्रीज कर रहा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज कर रहा है, घटते हुए क्रम में लिखना है। असेंडिंग में बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग में घटते हुए क्रम में। वी टेक एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 ऑब्जर्व द नंबर 25 36 21 39 40 and 20। इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो आप ये इसका प्लस वैल्यू के अनुसार देखो, ये 4 tens है, बाकी में 3 और 2 tens है, तो 4 tens इज ग्रेटर देन, सो 40 इज़ द बिगेस्ट नंबर। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, 2 10 2 10 2 10, ये 2 10 इज लेस देन 3 10 and 4 10। सो अब आपको देखना है कि वंस प्लेस के अनुसार, यहाँ 0 1s है, यहाँ 1 1s है, इसमें 25 है, 5 1s है, तो सो 0 1s इज लेस, सो 20 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। सो वी कैन अरेंज द गिवन नंबर्स एज सो बिलो। इस तरह से हम क्या है, ये गिवन नंबर्स को इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, डिसेंडिंग में क्योंकि ग्रेटेस्ट स्मॉलर होता है, सो 40 को सबसे पहले क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है 40, बिगेस्ट नंबर है 40, और सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर 20 है, जिसको लास्ट में लिखेंगे, और अदर नंबर्स आर लाइंग बिटवीन देम, बीच में लिखना है। तो 40 से छोटा कौन है, 39, 39 से स्मॉलेस्ट 36, 36 से स्मॉलेस्ट 25, 25 से स्मॉलेस्ट 21, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी संख्या कौन सा हो गया, 20, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। 40 इज़ ग्रेटर दैन 39, 39 इज़ ग्रेटर दैन 36, 25 इज़ ग्रेटर दैन 21, 21 ग्रेटर दैन 20। इस तरह आप लोगों ने देखा कि यहाँ नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बड़ा से छोटे की ओर बढ़ रहा है। असेंडिंग में आपने इंक्रीज किया, डिसेंडिंग में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस तरह से आप लोगों ने समझाओ किस तरह से हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।